नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों बढ़िया होंगे सभी लोग। दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धान की स्टेज दोस्तों हो चुकी है लगभग 50 से 60 दिन के बीच में, और दोस्तों बाली मतलब जो आ चुकी है गोमदे के अंदर, ठीक है ना। जब दोस्तों बाली हमारी गोमदे के अंदर आ जाती है तो दोस्तों आपको करना होता है उस टाइम एक बढ़िया से फंगीसाइड का स्प्रे और एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, जो कि आपकी बाली सफेद ना निकले। आपने देखा होगा दोस्तों धान के खेत के अंदर जब बाली निकलती है तो वो व्हाइट कलर की यानी सफेद कलर की बाली निकल आती है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे चुनिंदा प्रोडक्टों के बारे में बताने वाला हूँ जो आप लगाइए अपने खेत के अंदर, जिससे आपके खेत के अंदर जो समस्या आपकी सफेद वाली की या बाली कीट जो रहता है वो बाली को काट देता है और आपकी बाली दोस्तों पूरी खाली निकल आती है या सफेद वाली हो जाती है, ठीक है ना। तो और दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो एक फंगीसाइड प्रोडक्ट है। हमारे किसान भाई स्प्रे करते हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो फंगीसाइड का स्प्रे तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको पैदावार भी दोस्तों अब एक्स्ट्रा मिलने वाली है, ठीक है ना। एक तो आपका जो किसान भाई धान की खेती करते हैं और उन्हें यदि मैं झंडे पत्ते की बात करूँ तो जो किसान भाई हमारे झंडे पत्ते के बारे में जानते हैं कि हम कौन सा फंगीसाइड लगाएं जिससे हमारा झंडा पत्ता हरा भरा बना रहे और उससे हमारी दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा पैदावार दोस्तों देखने को मिले, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ प्रवीर राजपूत दोस्तों, और आप देख रहे हैं दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल द टेक्निकल किसान। दोस्तों यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बराबर में घंटे का निशान दे रखा है दोस्तों उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर क्या है आपको रेगुलर खेती से रिलेटेड नई नई जानकारी दोस्तों आपको देखने को मिलती रहती है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं पहले बात कर लेता हूँ फंगीसाइड के बारे में। दोस्तों आज मैं जिस फंगीसाइड के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, वो फंगीसाइड लगाने से दोस्तों आपको मिलने वाली है बंपर पैदावार, यानी आपकी बाली जो निकलने वाली है गोमदे में बाली आ चुकी है उस टाइम। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो फंगीसाइड का स्प्रे तो करते हैं लेकिन क्वालिटी वाला फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक सजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आता है एमिस्टार प्रो, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ऑजोक्सिस्टोमिन और डाइफेनोकोनाजोल इसके अंदर टेक्निकल दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों होती है कि जब गोमदे में बाली हो आपकी, यानी 4 से 5 दिन बाद दोस्तों बाली निकलनी स्टार्ट होने वाली हो, उसी टाइम दोस्तों आप एमिस्टार टॉप का स्प्रे कर दीजिए। इससे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको, एक तो इससे दाने की चमक, दाने का वजन और दाने का जो वजन मिलेगा आपको, दाने की जो क्वालिटी मिलेगी आपको दोस्तों वो अलग ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और ये जो है एमिस्टार टॉप आपका जो झंडा पत्ता होता है उसे भी हरा भरा बना रहेगा। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई हैं जो झंडा पत्ता के बारे में जानते हैं ना, तो दोस्तों वो लोग अलग ही पैदावार ही अपने खेत के अंदर लेते हैं। जिन लोगों ने अपने झंडे पत्ते पे रोग आने से बचा लिया, यानी झंडे पत्ते की वैल्यू जिस किसान भाई ने समझ ली, तो दोस्तों उनको अलग ही पैदावार मिलती है अपने खेत के अंदर। क्योंकि झंडा पत्ता जो पत्ता होता है वो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा भोजन बनाता है, जिससे कि हमारा बाली हो उसे भरपूर मात्रा में दोस्तों भोजन मिल पाता है उसे, ठीक है ना। तो आप लगाइए एमिस्टार टॉप 20 ml प्रत्यंगी के हिसाब से, यानी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ आप दोस्तों आप अपने खेत के अंदर फोलियर स्प्रे कर दीजिए। आपको 101% दोस्तों आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपके खेत के अंदर दोस्तों सीत ब्लाइट या कोई भी गलन टाइप की कोई भी डिजीज होगी ना, तो दोस्तों वो भी इस दवा से रुक जाएगी आपके खेत के अंदर, ठीक है ना। वैसे तो दोस्तों एमिस्टार टॉप का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसकी फुल डिटेल दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। और बहुत सारे प्लॉट ऐसे भी हैं जिनमें सीत ब्लाइट का अटैक है, उनमें भी दोस्तों आपको एमिस्टार टॉप का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों की गोमदे में बाली आ चुकी है उस टाइम में दोस्तों आप एमिस्टार टॉप का स्प्रे कर दीजिए, जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों वो अलग ही मिलेंगे। अगर आपको दोस्तों इस दवा के अंदर या और दूसरी दवा में प्रैक्टिकल करना है ना, तो दोस्तों आप अंतर देखने के लिए जब आप अपने धान की कटाई करें तो जिस खेत के अंदर आपने एमिस्टार टॉप का स्प्रे किया है और दूसरा खेत जो आपका प्लॉट है उसके अंदर किसी और दवा का स्प्रे किया है दोस्तों, तो आपको उसकी पहचान कैसे करनी है कि एमिस्टार टॉप लगाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिला और दूसरा फंगीसाइड लगाने से दोस्तों आपको क्या बेनिफिट देखने को मिले। तो एक डिस्पोजल गिलास, यानी एक गिलास लेना आपको, जो प्लास्टिक वाले गिलास आते हैं उस गिलास को लेना, उनमें पानी भरना दोस्तों, और दोनों में जिसमें प्लॉट में आपने एमिस्टार टॉप का स्प्रे किया है उस प्लॉट के दाने, और जिसमें अदर फंगीसाइड का दोस्तों आपने स्प्रे किया उस प्लॉट के दाने, आप गिलास के अंदर डालना, आपको देखने को ये मिलेगा
कि जिस खेत के अंदर आपने मिस्टर टॉप का स्प्रे किया था ना, उसके ज़्यादातर दाने दोस्तों पानी में डूब जाएंगे, और जिसमें आपने अदर फंगीसाइड का स्प्रे किया दोस्तों, उसके ज़्यादातर दाने पानी में तैरते हुए मिलेंगे। यानी कि इसका ये मतलब है दोस्तों कि एमिस्टार टॉप लगाने से दोस्तों एक तो दानों का वजन बढ़ता ही है, दाने का साइज भी बढ़ता है और दाने की चमक भी बढ़ती है। तो दोस्तों किसान को चाहिए क्या, पैदावार चाहिए, तो आप एमिस्टार टॉप का स्प्रे करें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है ना। ये तो रही दोस्तों फंगीसाइड की बात। अब दोस्तों जब बाली निकलती है तो आपने देखा होगा बहुत जगह समस्या ये रहती है कि बाली सफ़ेद निकलती है ना। जब सफ़ेद बाली निकलती है तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि एक कीट रहता है जो सुंडी रहती है, वो हमारे पौधे की जो हमारा जो बाली होती है उसे काट देती है। इसकी वजह से दोस्तों बाली सफ़ेद देखने को हम लोगों को मिलती है। तो दोस्तों उसकी रोकथाम के लिए एक पेटेंट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है दोस्तों एम्पलीगो, ठीक है ना। यानी 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों आप इसी फंगीसाइड के साथ मिला के एम्पलीगो का स्प्रे कर दीजिए आपके खेत के अंदर, तना छेदक, स्टीम बोरर, टॉप बोरर, आप इसी का इस्तेमाल कर दीजिए मिला के दोस्तों आपके खेत के अंदर जो समस्या है सफ़ेद वाली की या सुंडी का प्रकोप दोस्तों कैसा भी हो, लीफ होल्डर हो, कोई भी इंसेक्ट हो दोस्तों लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ना दो प्रोडक्टों का आप अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए, आपको बहुत ही शानदार पैदावार दोस्तों आपको मिलने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल पर क्या है, जिन किसान भाइयों ने वेजिटेबल भी करते हैं तो उनके लिए दोस्तों एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है मेरे इस चैनल पर, नई नई वीडियो दोस्तों उनके लिए आने वाली है। क्योंकि दोस्तों मेरी रेगुलर वीडियो मिर्च को लेके भी आने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारे अगर मैं 2023 की बात करूँ दोस्तों मिर्च की खेती भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने बहुत बड़े पैमानों पर लगा रखी है। क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत सारे प्लॉटों पर अभी भी कल पिछले टाइम मैंने दोस्तों अभी कुछ दिनों में विजिट किया है मिर्च के खेतों में, ट्रांसप्लांटिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, उसको लेके दोस्तों मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले कर दो एक बार लाइक, और अभी तक आपने किया नहीं चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एक करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान साथियों।